जाने माने ज्योतिषी शास्त्री डॉक्टर देवव्रत जी महाराज ने भविष्यवाणी की है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित है। शहर के जाने माने ज्योतिषी शास्त्री डॉक्टर देवव्रत जी महाराज ने 5 राज्यों के चुनाव में 50-50 का खेल बताया है, मगर कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा गठबंधन की जीत तय है। वे न्यूज टाइम से विशेष बातचीत कर रहे थे। देखिए, अभी जो मंगल की दशा राहुल जी का चल रहा है, उसके मुताबिक 2013 से राहुल जी का मंगल महादशा चल रही थी, उसमें 4 साल बीत चुका है और अभी इनका जो मंगल जो इनको सुफल देने वाला है, इसके हिसाब से अखिलेश जी के साथ जो गठजोड़ हुआ है, ये निश्चित रूप से ये लाभान्वित होंगे और आने वाले सरकार इनका पुनः अखिलेश जी का सरकार सपा की सरकार होने जा रही है। और जो विकास की बात है, और 2017 में रोजगार की कई ऐसे रास्ता खुलेगा सेंट्रल में भी राज्य में भी, उसके मुताबिक भी जो अखिलेश जी का जो विकास का एक ये चल रही है, उसमें भी आगे और विकास की होने की संभावना है इस साल 2017। और विशेष रूप से इसमें कैरियर का वर्ष भी है 2017, और भारत में रोजगार भी बढ़ेंगे और व्यवस्था भी और भी दुरुस्त हो। अगर 5 राज्य का चुनाव न लिया जाए तो किसको बेनिफिट मिलने जा रहा है? देखिए, इसमें तो अगर आप देखा जाए तो UPA और NDA दोनों बराबर की सरकार बनेगी, दोनों में अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो 50-50% का लाभ होने वाली है। अक्षी थाना गुहार लेकर पहुंची महिला ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री का अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। IMA भवन के पास रहने वाली मिस्ट्री श्रीवास्तव नामक महिला की 5 वर्षीय पुत्री आयशा रविवार से रहस्यमय ढंग से लापता है। महिला ने पड़ोस के रहने वाले रवि नामक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। रवि का उसके घर पर आना जाना था और रवि भी गायब है। पता हो गया बोल के? मेरी बच्ची को रवि बोल के लड़का है, मेरा घर से वो किडनैप करके लेके गया है और मेरे को डर लग रहा था मेरी बच्ची के साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है सर। कल 6 बजे से गायब हुई है मेरी बेटी, अभी तक घर में लौटी नहीं है, इसलिए हम थाना पे आए हैं, रिपोर्ट लिखवाने कंप्लेंट करवाने आए हैं कि मेरा बच्चा को थोड़ा खोजने में ये करें। कल भी हम लोग रात में आए थे, सर बोले अपना अपना फैमिली जो है सबको आप लोगों को चेक कर लीजिए, हो सके तो वहाँ गई होगी बच्चा को लोग ना कर। सब रात भर हम लोग सर स्टेशन गए, सब जगह जितना फैमिली रात भर खोजे, लास्ट में हार मान गए सर, हम लोग थाना रिक्वेस्ट करने सर के पास आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। 50% से कम अंक लाने वाले छात्राओं का स्टाइफन फिर से चालू करने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा विभाग से की है। मालूम हो कि 50% से कम मार्क्स लाने वाले छात्राओं को पहले स्टाइफन दी जाती थी, पर अब नए नियमों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। सूरज कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने इसे सरासर गलत ठहराया है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जाति परिषद जिंदाबाद, 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 जाति परिषद जिंदाबाद, 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 छात्रों छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, कल्याण विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय, कल्याण विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टिपेंड रोक दिया गया है एडमिशन लेने के बाद। कल्याण विभाग का कहना है कि उनका जो लास्ट क्वालिफिकेशन था उसमें 50% से अगर कम होता है तो उनका स्टिपेंड नहीं दिया जाएगा, पेंडिंग में रखा गया है। क्यों? हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल्याण विभाग से सवाल करना चाहती है कि जब उन लोगों का एडमिशन लिया गया था तो उस समय उन लोगों को ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया? अभी क्या है कि छात्र दो नाव पर सवारी कर रहे हैं। हम लोग विद्यार्थी परिषद यह मांग करते हैं कल्याण विभाग से कि इन लोगों का स्टिपेंड तुरंत अविलंब चालू करवाया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। बारीडीह में एक औपचारिक कार्यक्रम में बड़े संख्या में युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। एक औपचारिक कार्यक्रम में विभिन्न दलों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनका स्वागत माला पहनाकर सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार भी मौजूद थे।
मदर होम पब्लिक स्कूल मानकों का वार्षिक समारोह में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का दिल जीत लिया। जेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय ऑल इंडिया अंतर स्टील प्लांट एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। प्रतियोगिता में देश भर के 9 स्टील प्लांट के एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा किया गया है।